बच्चों की दुनिया में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सा सलाम। आज हम तीनों आपके लिए बनाएंगे मज़ेदार सा जिंगर शवारमा। तो जिंगर शवारमा बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है और बहुत ही चटपट बनता है। तो आइए देखते हैं कि जिंगर शवारमा कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि 4 कप हम लोग के पास है मैदा, 1 टेबल स्पून हम लोग लेंगे ईस्ट, ये एक्टिव ईस्ट के नाम से आपको बाजार से मिल सकता है, 1/2 टेबल स्पून हम लोग लेंगे नमक, 1 भर के चम्मच हम लोग लेंगे चीनी का, 4 चम्मच हम लोग लेंगे ऑयल, हस्ते जरूरत हम लोग लेंगे नीम गरम पानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैदे के अंदर हम लोग ऐड करेंगे चीनी, यीस्ट और नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, मिक्स कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि यीस्ट, नमक और चीनी जो हम लोगों ने इसके अंदर ऐड की है, ये चाण के खमीर, ताकि ये हर जगह आसानी से पहुँचे। सुबह से हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे गूंथते जाएंगे। एकदम से आप लोगों ने सारा पानी नहीं ऐड करना, आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करते जाना और गूंथते जाना। तो इसे हम लोगों ने गूंथ लिए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम दोबारा इसको 5 मिनट के लिए गूंथेंगे। तो डो हमारी एकदम रेडी हो चुकी है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए राइस करने को रख लेंगे, वो भी ढक के। तो चलिए आपसे मिलते हैं 1 घंटे के बाद। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, चिकन लिया है हम लोगों ने बोनलेस 1 कप, विनेगर हम लोगों ने लिया है 1/2 कप, काली मिर्च पाउडर हम लोगों ने ली है 1/2 टेबल स्पून, लहसुन का पेस्ट हम लोगों ने लिया है 1/2 टेबल स्पून, नमक लिया है हम लोगों ने 1/2 टेबल स्पून। तो चिकन में हम लोग ऐड करेंगे काली मिर्च, लहसुन का पेस्ट, ऐड करेंगे नमक, ऐड करेंगे विनेगर, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट करने को रख लेंगे। तो चिकन की कोटिंग करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मैदा लिया है हम लोगों ने 1 कप, कॉर्नफ्लोर हम लोगों ने लिया है 2 टेबल स्पून, पेपरिका पाउडर हम लोगों ने लिया है 1/2 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर हम लोगों ने लिया है 1 टेबल स्पून और नमक हम लोगों ने लिया है 1/2 टेबल स्पून। मैदे में डालेंगे हम लोग कॉर्नफ्लोर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, करेंगे नमक, मिक्स कर लेंगे। चिकन की कोटिंग हमारी एकदम रेडी है। चिकन हमारा एकदम मैरिनेट हो चुका है, कोटिंग हमारी तैयार है। सबसे पहले हम लोग गोश्त का एक पीस लेंगे और कोटिंग के अंदर डिप करेंगे।
फिर वापस इसके अंदर डिप करेंगे और फिर इसके अंदर डिप करेंगे। और प्लेट में रखते जाएंगे। तो इस तरह सारे कर लेंगे। नीचे हम लोगों ने मैदा डस्ट कर लिया। अब हम इसके पीसेस बना लेंगे। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े हमारे एकदम रेडी है। नीचे मैदा डस्ट करेंगे। नीचे हम लोगों ने मैदा डस्ट कर लिया। अब हम इसे बेल लेंगे। तो पीठा ब्रेड हमारी एकदम रेडी है। अब हम इसे पकाएंगे। पीठा ब्रेड को हम लोगों ने तवे पे डालिए। देखिए इसमें बॉल्स आ गए हैं। देखिए इसमें बबल्स आ गए हैं। हम साइड चेंज करेंगे। साइड हम लोगों ने चेंज कर लिए। अब हम दूसरी साइड को दो मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम इसको पलटाएंगे। दो मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए कितने ही ज़बरदस्त बनी है। ऑयल ऐड करेंगे। थोड़ा सा ऑयल हम लोगों ने ब्लश किया। साइड चेंज करेंगे। तो ये देखिए ये साइड भी एकदम रेडी है। इसके ऊपर भी ऑयल ऐड करेंगे। ब्लश करेंगे। मीठा ब्रेड हमारी एकदम तैयार है। इसी तरह हम लोग अब साड़ी तैयार करेंगे। कोई सी फ्राई पैन में हम लोग ऐड करेंगे ऑयल और इसे गर्म होने देंगे। नीचे से फ्लेम मीडियम है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम चिकन को फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।